बच्चों लोग आज से क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं कोवेलेंट करेक्टर। कोवेलेंट करेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। ठीक है, याद है ना, केमिस्ट्री में दो टाइप का बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये चीज ध्यान हो गया कि केमिस्ट्री में क्या बोल रहे हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड होता है और आयनिक बॉन्ड होता है। अब आप लोग को इस बात का अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि ना ही कोई बॉन्ड परफेक्टली कोवेलेंट होता है, ना ही कोई बॉन्ड परफेक्टली आयनिक होता है। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आयनिक कैरेक्टर होता है, आयनिक कैरेक्टर होगा और आपका आयनिक बॉन्ड के अंदर क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। तो हम लोग का आज का टॉपिक रहेगा, तो हम लोग पढ़ रहे हैं आयनिक बॉन्ड, हम लोग पढ़ रहे हैं आयनिक बॉन्ड, और हमको सीखना आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे फाइंड करते हैं या फिर उसको कैसे कंपेयर करेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना, जब हम आयनिक बॉन्ड के अंदर हमको पता करना है कोवेलेंट कैरेक्टर, तो कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, तो इसके लिए दिया गया था फर्जन रूल। यानी फर्जन एक साइंटिस्ट था, अपना कुछ रूल सेट किया है, तो उसके थ्रू हम लोग उसको फाइंड करते हैं यानी कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दो, पहले फर्जन रूल से पहले लॉजिक समझो, फिर आते हैं रूल पे। पहले लॉजिक क्लियर होना चाहिए, फिर आएंगे रूल पे। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर बोल रहे हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर अगर आयनिक कैरेक्टर होता है, तो इसमें बोला क्या गया कि अगर मान लेते ए और बी का बॉन्ड कोवेलेंट है, तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि बी ज्यादा अल्टरनेटिव होगा और ए कम अल्टरनेटिव होगा, यानी हमें जूम कर रहे हैं कि अल्टरनेटिव ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए, तो यहाँ पे जो डिफरेंस होता है, ठीक है, बोला क्या गया है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर 1.7 से ज्यादा होगा, तो बॉन्ड टाइप हो जाएगा आयनिक, और डिफरेंस अगर इससे कम होगा तो बॉन्ड टाइप हो जाएगा कोवेलेंट। ये किसके लिए, ये कोवेलेंट बॉन्ड के लिए हम बात कर रहे हैं। इस रूल का एक्सेप्शन है, इस रूल का एक्सेप्शन है एचएफ। एचएफ का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा होता है, 1. एफ का होता है 4, एच का होता है 2.1, तो यहाँ पे जो डिफरेंस होगा, ये डिफरेंस होता है 1.9 के आसपास, नहीं तभी बॉन्ड क्या है, तभी बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट है, तभी बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट होता है। ठीक है, ये कुछ ये हो गया कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक, तो जितना ज़्यादा डिफरेंस ज़्यादा होगा, उतना ही क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर घटेगा। यानी हम सिंपली बोल सकते हैं कि अगर कोवेलेंट बॉन्ड का हम बात कर रहे हैं, तो जितना डिफरेंस क्या होगा, ये डिफरेंस प्रोपोर्शन टू आयनिक कैरेक्टर। और यूनिवर्सल प्रोपोर्शन टू क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक, अब फोकस करना मेरे को आयनिक आयनिक बॉन्ड पे। ये तो हो गया कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन। तो अगर बोला गया कि आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, तो ध्यान देना, तो पहले को समझना पड़ेगा कि आपका आयनिक बॉन्ड कैसा होना चाहिए, आपका आयनिक बॉन्ड कैसा होना चाहिए। तो ध्यान देना, जब भी हम आयनिक बॉन्ड का बात करते हैं, तो आयनिक बॉन्ड बनता कैसा है जी, तो आयनिक बॉन्ड के लिए कड़ायन चाहिए होता है, कड़ायन चाहिए होता है, जनरली कड़ायन कैसे छोटा होता है, तो कड़ायन को ऐसे दिखा सकते हैं और आयन को हम ऐसा दिखा सकते हैं। ठीक है, आयनिक कैसे लार्ज होता है, कड़ायन कैसे छोटा होता है, जनरली तो प्लस हो गया माइनस हो गया। तो अगर आपका आयनिक बॉन्ड आइडियल केस होता, यानी आइडियल आयनिक बॉन्ड होता, आइडियल आयनिक बॉन्ड, इसका मतलब आपका जो आयनिक बॉन्ड आयनिक करेक्टर है, जो परसेंटेज आयनिक करेक्टर होगा ये होगा 100%, ये होगा 100%। यानी इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, जीरो होगा, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, जीरो होगा।
तो परसेंटेज कोवेलेंट करेक्टर क्या होगा इसमें, जीरो होगा, यानी आपका परफेक्ट आयनिक बॉन्ड होगा। तो कैसा होना चाहिए ध्यान देना, आपका जो कटायन है, कटायन और अनायन आपस में टच करना चाहिए, आपस में टच करना चाहिए। ये होगा आपका परफेक्टली आयनिक बॉन्ड, ऐसा होना चाहिए। बट रियलिटी में होता क्या है, बट रियलिटी में होता क्या है ध्यान देना, रियल 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 सिचुएशन में होता क्या ध्यान देना, तो रियल सिचुएशन होता क्या है कि आपका जो पॉजिटिव, जो आपका पॉजिटिव क्लाउड है यानी पॉजिटिव पार्ट है, वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। कड़ान का छोटा होता है और अनायन लार्ज होता है, तो अनायन का जो क्लाउड है, और बात करते हैं अनायन का क्लाउड का, तो अनायन का जो क्लाउड होता है अपने न्यूक्लियस से दूर होता है, तो आपका जो अनायन का क्लाउड है उसका क्लाउड जो होता है न्यूक्लियस से दूर होता है, न्यूक्लियस यहाँ पे उसमें प्रोटॉन्स होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस से दूर है, तो न्यूक्लियस से दूर है, तो इस अनायन का क्लाउड को अपना जो न्यूक्लियस है उससे दूर है, और ये क्लाउड क्या होता है बगल वाले कटायन के पास पहुँचाता है, यानी कटायन का जो प्रोटॉन उसके पास पहुंच गया है, ठीक है। तो ये अनायन हो गया और एक कटायन हो गया, कटायन का जो प्रोटॉन है उसके पास हम पहुंच गया अनायन का क्लाउड, तो कटायन क्या करेगा उसके क्लाउड को अपने पास खींचेगा। तो रियल सिचुएशन में होता क्या है कि कटायन क्या करेगा, अनायन के क्लाउड को अपने पास पुल करेगा। तो मान लिया कटायन ऐसा होता है और अनायन क्या होता है, तो अनायन का जो क्लाउड होगा उसको पुल करेगा, तो अनायन का जो क्लाउड होगा पुल होकर चला जाएगा कटायन के एरिया में, इन थोड़ा सा उस अनायन का जो क्लाउड का पोलराइजेशन होता है, एक सेकेंड, अनायन के क्लाउड का पोलराइजेशन हुआ। तो ध्यान देना यहाँ पर कोई आपको दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं जो अनायन का कुछ क्लाउड चला गया कटायन वाले एरिया में, कहीं नहीं कि इसको बोलते हैं लोग पोलराइजेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन प्रोसेस। तो किसका हो रहा है, तो पोलराइजेशन ऑफ अनायन, अनायन पोलराइज हो रहा है, अनायन पोलराइज हो रहा है। उसका डेंसिटी क्या हो रहा है, उसका डेंसिटी हो रहा है कटायन में घुस जा रहा है, कटायन के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि एरिया ओवरलैपिंग एरिया है, तो इसको बोलते हैं एक, कहीं नहीं क्या वो दिख रहा है यहाँ पे शेयरिंग होना स्टार्ट हो रहा है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब शेयरिंग किस बॉन्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो शेयरिंग मतलब होता है कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कोवेलेंट करेक्टर, तो शेयरिंग का मतलब होता है कोवेलेंट करेक्टर। तो कहीं नहीं दिख रहा होगा कि कटायन क्या करता है, अनायन को पोलराइज करता है और उसका अपने क्लाउड को अपने पास पुल करता है और क्लाउड को शेयर करता है, ठीक है। इस शेयरिंग प्रोसेस के कारण क्या होता है, कोवेलेंट करेक्टर आना स्टार्ट होता है। तो जितना शेयरिंग ज़्यादा होगा यानी जितना पोलराइजेशन ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा, कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेगा। तो ऐसा बोल सकते हैं क्या कि जो कोवेलेंट करेक्टर को हम शॉर्ट में लिखते हैं CC, कोवेलेंट करेक्टर को शॉर्ट में लिखेंगे CC, तो जो CC है यानी जो कोवेलेंट करेक्टर है प्रोपोर्शन टू द पोलराइजेशन, CC होगा प्रोपोर्शन टू क्या होगा, पोलराइजेशन। तो कोवेलेंट करेक्टर प्रोपोर्शन टू क्या होगा, पोलराइजेशन, ठीक। तो जितना ज्यादा पोलराइजेशन ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, कोवेलेंट करेक्टर बढ़ता है, ठीक है। अब ध्यान देना ये जो पोलराइजेशन प्रोसेस है किस पे डिपेंड करता है, उस पर ध्यान देंगे आप। तो आपको समझ में आ गया कि कोवेलेंट करेक्टर का मतलब क्या है, यानी आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट करेक्टर बिल्ड क्यों होता है, तो ड्यू टू पोलराइजेशन, ठीक है। पोलराइजेशन किसका होता है, पोलराइजेशन होता है अनायन का। पोलराइजेशन करता कौन है, तो कटायन करता है। तो ध्यान देना, तो कोवेलेंट करेक्टर जो होता है क्यों होता है, इज ड्यू टू
पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ऑफ किसका, पोलराइजेशन ऑफ अनायन, पोलराइजेशन कौन करता है, तो बाई बाई कटायन। और हमारा आनी कंपाउंड ऐसा है, ए प्लस बी माइनस है आपका आनी कंपाउंड, तो ध्यान देना कटायन होगा आपका ए प्लस और अनायन होगा आपका बी माइनस, ठीक है। तो पोलराइजेशन ऑफ अनायन और पोलराइजेशन बाय द कटायन। अब ध्यान देना अनायन का पोलराइजेशन होता क्यों है, क्योंकि अनायन का साइज होता लार्ज, एज एज साइज साइज ऑफ अनायन इज लार्ज, ठीक है। अनायन का साइज लार्ज होगा तो उसके क्लाउड को डिस्टर्ब करना बहुत आसान होता है, उसे क्लाउड को पुल करना बहुत इजी होगा, क्योंकि उसका क्लाउड जो है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ इट इज अवे फ्रॉम इट्स न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस से क्या वो दूर होगा, तो आपका जो अनायन है, ठीक है, तो आपका जो अनायन है उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा उससे न्यूक्लियस से दूर रहेगा। अगर आपने उसका क्लाउड न्यूक्लियस से दूर है तो उसका न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, कम होगा, तो इसका क्लाउड पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, उसके क्लाउड को डिस्टॉर्ट करना, डिस्टर्ब करना बहुत आसान होता है। तो कटायन क्या करता है, अनायन के क्लाउड को, यानी अनायन का जो साइज बड़ा हो चुका है तो इसका जो क्लाउड है न्यूक्लियस से काफी दूर है, दूर है मतलब क्या हो, तो कटायन बहुत इजीली क्या करेगा, उसको खींचेगा अपने साइड, तो कटायन उसको बहुत इजीली खींच सकता है, कटायन उसको बहुत ज्यादा इजीली खींच सकता है, ठीक है। अब ध्यान देना कटायन बहुत इजी खींच सकता है, देखो समझ में आ चुका है कि कटायन का जो न्यूक्लियस है उसको बहुत अनायन के क्लाउड को अपने पास बहुत इजीली पुल कर सकता है, ठीक। जैसे बोलते हैं कि आपका पोलराइजेशन में अनायन का क्लाउड पोलराइज होता है, और पोलराइज करता कौन है, कटायन करता है, ठीक है। अब ध्यान देना पोलराइजेशन अगर इंक्रीज करेगा तो आपका कोवेलेंट कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब पोलराइजेशन इंक्रीज किस पे करता है, तो ध्यान देना जो पोलराइजेशन प्रोसेस में, तो चूंकि पोलराइजेशन कर कौन रहा है, कटायन कर रहा है, तो कटायन के पास होता है पोलराइजिंग पावर, तो कटायन के पास, कटायन है पोलराइजिंग पावर, यानी अनायन को पोलराइज कर सकता है, तो कटायन है पोलराइजिंग पावर, ठीक है। और कटायन का पोलराइजिंग पावर जो होता है प्रोपोर्शनल टू होता है चार्ज, चार्ज ऑफ कटायन एंड साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, यानी साइज ऑफ कटायन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो कटायन का जो पोलराइजिंग पावर होता है वो कहीं ना कहीं चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है, चार्ज ऑफ कटायन एंड साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कटायन, ये होता है पोलराइजिंग पावर का, ठीक। अब जो अनायन होता है, अनायन का होता है एक पोलराइजिबिलिटी, अनायन के लिए वर्ड होता है पोलराइजिबिलिटी, तो ध्यान देना जो पोलराइजेशन है, ठीक है, तो पोलराइजेशन को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, ध्यान देना आपको पता चल आ गया कि जो पोलराइजेशन प्रोसेस है जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा, उतना ही क्या होगा आपका कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, तो ध्यान देना ये जो पोलराइजेशन होता है, इस पोलराइजेशन में एक टर्म आएगा अनायन से लिंक करता होगा और एक टर्म आएगा कटायन से लिंक करता होगा, बोल कह रहे हैं कि जो पोलराइजेशन प्रोसेस है एक कटायन के पोलराइजिंग पावर की डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, तो कटायन के पास अपना एक पोलराइजिंग पावर होता है, पोलराइजिंग पावर इज प्रोपोर्शन टू क्या, पोलराइजेशन। और एक अनायन के साथ टर्म आता है पोलराइजिबिलिटी, यानी कौन कितना अनायन इजीली पोलराइज हो रहा है, टर्म क्या आएगा पोलराइजिबिलिटी,
पोराइजिबिलिटी, ये भी क्या होता है, पोराइजेशन का प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। और पोराइजेशन के प्रोपोर्शन और क्या होगा जी, कोवेलेंट कैरेक्टर। तो कहीं ना कहीं जितना पोराइजिंग पावर ज्यादा होगा कटायन का, उतना ही को क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा, कैरेक्टर ज्यादा होगा। अब जो पोराइजिंग पावर होता है ये प्रोपोर्शन टू होता है चार्ज ऑफ कटायन, क्योंकि हम पोराइजिंग पावर किस किसके लिए यूज किया गया है, कटायन के लिए। सो यूज किया गया कटायन के लिए, तो पोराइजिंग पावर जो होता है कटायन का, डिपेंड करता है उसके चार्ज पे, डिपेंड करता है उसके चार्ज पे, ठीक है। और उसके साइज के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, साइज ऑफ कटायन के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है किसका, कटायन का पोराइजिंग पावर, ठीक है। अब जो आयन का जो पोराइजिबिलिटी होता है, आयन का जो पोराइजिबिलिटी होता है वो प्रोपोर्शन टू होगा कोवेलेंट कैरेक्टर। तो पोराइजिबिलिटी प्रोपोर्शन टू क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर, यानी आयन जितना इजीली पोलराइज होगा उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, हाईएस्ट, ज़्यादा बढ़ेगा। अब ध्यान देना, जो पोलराइजिबिलिटी ऑफ आयन होता है उसके चार्ज के प्रोपोर्शन होता है, यानी आयन के चार्ज के प्रोपोर्शन होगा, और क्या होगा, आयन के साइज के ही प्रोपोर्शन होता है, आयन के साइज के भी प्रोपोर्शन होगा। तो आर माइनस का जो, यानी आयन का जो साइज होगा उससे जितना बड़ा होगा, साइज जितना लार्ज होगा उतना ही उसका क्लाउड इजीली पोलराइज हो सकता है, उतना ही उसका क्लाउड इजीली पोलराइज हो सकता है। इसलिए बोला गया है कि आयन का जो रेडियस होगा जितना लार्ज होगा उतना ही उसका पोलराइजिबिलिटी हाई होता है, इतना ही इसका मतलब, उतना ही उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। तो इसको सम अप कर दे रहे हम, सम अप कर दे रहे हम, ध्यान देना। तो जब भी आपका पूछा जाएगा आयनिक कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, तो आप फोकस करोगे कटायन पे। तो कटायन में ध्यान देना, तो कोवेलेंट कैरेक्टर प्रोपोर्शन टू होता है चार्ज ऑफ कटायन एन साइज ऑफ कटायन के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, ठीक। सिमिलरली आप अनायन फोकस कर सकते हो, तो अनायन का जो, यानी कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, अनायन के चार्ज के प्रोपोर्शन होता है और अनायन के साइज के भी क्या होगा, प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। तो ये हो गया पूरा। अब इसी को बोला गया फजन्स रूल, इसी को बोला गया, क्या बोला गया है, फजन्स रूल, इसी बोला गया आपको फजन्स रूल, ठीक है। तो ये रहेगा आपका, ध्यान देना, कहीं ना कहीं कोवेलेंट कैरेक्टर में कटायन में एक और फैक्टर होता है, कटायन में एक और फैक्टर आता है, यानी इसमें एक और फैक्टर होता है, यानी कटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो समटाइम जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपका जो कोवेलेंट कैरेक्टर आयनिक बॉन्ड होता है डिपेंड करता है किस पे, तो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कटायन पे। तो इस फैक्टर को देख लेते हैं एक बार, ये फैक्टर देख लेते हैं, इस फैक्टर कैसे डिपेंड करता है। तो ध्यान देना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो होता है कटायन का, तीन पार्ट बांटा गया है, कुछ बोला गया इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, कुछ बोला गया है नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, कुछ को बोला गया है स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ध्यान दोगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जो कटायन होगा उसको तीन पार्ट बांट रहा है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन एंड स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसको शॉर्ट में बोलेंगे आईजी,
इसको बोलेंगे एनआईजी, इसको बोलेंगे पीआईजी। आईजी मतलब इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, एनआईजी मतलब नॉन इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, पीआईजी मतलब स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। तो शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो ध्यान देना, इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन का मतलब क्या होता है। तो जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होगा, एग्जांपल Na प्लस, Na प्लस में क्या होगा 2 8, K प्लस क्या हुआ 2 8 8, यानी आपको जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इस सारे कैटायन में क्या 8 है, यानी नोबल गैस के बराबर है, इसलिए इसको बोला गया है इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। यानी आपके जब भी वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो उस कैटायन को बोलेंगे वो अपने इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन में है, ठीक है। एक होता है स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। तो स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन में बोला गया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब 18 होता है, एग्जाम्पल CU प्लस, तो CU प्लस में देखोगे तो क्या हुआ, ये नियम 3s2 3p6 एंड 3d10 होता है। तो इसका आउटर मोस्ट सेल थर्ड सेल है, तो थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है आपको, एस का 2, पी में 6 और डी में 10, कितना आपके पास 18 है, ठीक है। तो एक CU प्लस क्या होगा, ये हो जाएगा आपका पीआईजी कॉन्फिगरेशन होगा, यानी स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन होगा। और क्या हो सकता है, तो मरकरी प्लस 2, मरकरी प्लस 2, इसका भी देखोगे तो आउटर मोस्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। जिंक प्लस 2, जिंक प्लस 2 भी चेक करोगे तो ध्यान देना, जिंक प्लस 2 में भी क्या होगा आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 18 होगा। तो ये सब कुछ हो सकता है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन का, ठीक। नॉन इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन किसको हम बोलते हैं, तो जहाँ पे आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइदर 8 होगा नॉर 18 होगा, ठीक है। 8 और 18 तो नहीं होगा, बाकी कुछ भी चलेगा बट 8 और 18 नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल होता है जी, Fe प्लस 2 ले ले, इसमें क्या होगा नियन 3s2 3p6 एंड 3d क्या होगा 6 ले ले, तो इसमें कितना हो जाएगा 14 होगा, क्या होगा 14 होगा, ठीक। तो 14 होगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका नॉन इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन में डाल सकते हो। अब ध्यान देना, अब कॉन्फिगरेशन के बेसिस पे आप कमेंट कैसे करोगे, तो ध्यान दोगे तो जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है देखा गया है, सबसे हाईएस्ट होता है पीआईजी में, यानी स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन में हाईएस्ट होता है, फिर होगा एनआईजी में, और सबसे कम होता है आईजी में। स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन देखो ध्यान से, सबसे हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर होता है स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन में, फिर नॉन इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन में, सबसे कम होता है इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन में। ये कब देखना, व्हेन चार्ज ऑन कैटायन इज सिमिलर, तो चार्ज सिमिलर होगा तब इसको देखना आपको, यानी कॉन्फिगरेशन को चार्ज के पहले मत देखना, ठीक है। सिमिलर चार्ज में देखना, चार्ज अगर सिमिलर होगा और साइज भी देखना सिमिलर होगा, व्हेन चार्ज ऑन कैटायन सिमिलर एंड साइज इज ऑल्सो सिमिलर, तो उस केस में आप इसको फोकस करना, ठीक है। यानी कॉन्फिगरेशन का जो फैक्टर होता है चार्ज साइज के बाद चेक करना, चार्ज एंड साइज के बाद चेक करना, ठीक है, तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो बच्चों लोग कोवेलेंट कैरेक्टर समझ में आ गया, तो चलो कुछ आसान क्वेश्चन पे करता हूँ लोग। क्वेश्चन क्या आपके पास है, कंपेयर कोवेलेंट कैरेक्टर, तो पहला क्वेश्चन है BSO4 MgSO4
CSO4, SRSO4, and Barium-SO4. इसको कंपेयर करो फास्ट. सेम क्वेश्चन है LIF, LICL, LIBR, LII. थर्ड क्वेश्चन आपके साथ है LI2O, MG2O, MGO, L2O3. एंड इसमें ऐड कर देता हूँ लोग LIF. ठीक है, तीन तीनों क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करेंगे आप लोग. आपको कंपेयर करना है कोवेंट कैरेक्टर. ठीक है, तो तीन अलग अलग क्वेश्चन है, तीनों को आप अरेंज करेंगे फास्ट. तो ध्यान बच्चे लोग, जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे आपका अनायन कॉमन है सब में, सल्फेट सल्फेट सल्फेट, बस कड़ायन चेंज हो रहा है. कड़ायन का भी देखोगे तो चार्ज में कोई चेंज नहीं है. चार्ज क्या है, चार्ज सब में सेम है. ठीक है, प्लस टू प्लस टू प्लस टू सब में सेम है. तो बस चेंज क्या हो रहा है, तो कड़ायन का साइज चेंज हो रहा है. तो कड़ायन का साइज चूंकि अगर बढ़ेगा तो कोवेंट कैरेक्टर क्या होता है, घटता है. तो यहाँ से यहाँ जब जाओगे तो कड़ायन का साइज बेरियम से मैनेशियम बड़ा हो रहा है. तो बड़ा होगा तो क्या कोवेंट कैरेक्टर घटेगा. तो इन सब में हाइस्ट कोवेंट कैरेक्टर किसका होगा, तो हाइस्ट होगा इसका. एनी ऑर्डर ऐसे चलेगा. ठीक है, जिसका साइज सबसे छोटा होगा उसका कोवेंट कैरेक्टर क्या होगा, हाइएस्ट होगा. ठीक, सेकेंड क्वेश्चन देखना ध्यान से. इसमें देखना लिथियम कॉमन सब में है एंड चेंज हो रहा है अनायन. अनायन का चेक करो तो अनायन का सब में चार्ज सेम है, -1, -1, -1, -1. तो अनायन का चार्ज भी सब में सेम है. तो अल्टीमेटली चेंज हो रहा क्या हो रहा है, तो चेंज हो रहा है अनायन का साइज. तो जैसे मूव करो एफ से सी एल में, अब बी आर में, आर आई में, तो आपका साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है. साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है. साइज इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, आपका कोवेंट कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा. इसमें ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर ऐसा चलेगा. ठीक है, ये हो रहा, ये होगा सेकेंड क्वेश्चन. ध्यान देना थर्ड क्वेश्चन, ध्यान देना. तो थर्ड क्वेश्चन देखोगे तो पहला 1, 2, 3 में आपका अनायन कॉमन है, ऑक्साइड ऑक्साइड ऑक्साइड. चेंज हो रहा कटायन, तो कटायन का देखोगे तो यहाँ पर चार्ज +1 है, या चार्ज +2 है, चार्ज +3 है. तो चार्ज तो चेंज हो ही रहा है और प्लस साइज भी चेंज हो रहा है. अल्मोनियम का से ध्यान देना, तो लिथियम प्लस से बड़ा होता है Mg+2 से, और Mg+2 बड़ा होता है L+3 से. तो कहीं नहीं कहीं जब मूव करो लिथियम से मैग्नीशियम में, और मैग्नीशियम से मूव करो आप अल्मोनियम में, तो चार्ज इंक्रीज हो रहा है और साइज भी छोटा हो रहा है कड़ायन का. तो अल्टीमेटली क्या होगा, इन तीनों में कंपेयर करोगे तो कोवेंट कैरेक्टर हाइस्ट क्या होगा, तो हाइस्ट होगा L2O3 का. तीन तीनों में हाइस्ट होगा किसका, L2O3 का. अब आता है LIF कहाँ डालेंगे. तो यार LIF जो है उसका F जो होता है, उसका जो जो F है वो ऑक्साइड से, F माइनस साइज ऑक्साइड से छोटा होता है. यानी LIF का जो कोवेंट कैरेक्टर होगा वो LI2 से पीछे में रहेगा. ठीक है, यानी LIF का जो कोवेंट कैरेक्टर है वो इसे पीछे रहेगा. यानी LIF यहाँ रहेगा, यहाँ पे. यानी लिथियम ऑक्साइड से पीछे होगा LIF का कोवेंट कैरेक्टर. ठीक है,